Now, this is another important question, and the question says the combination of orbital that cannot produce non-bonding molecular orbital. Right? Non-bonding molecular orbital मतलब जो overlap ठीक से ना कर पाए, either due to the geometrical shape of the orbital or maybe due to energy gap, है ना, ये हमको देखना. लेकिन यहाँ लिखा है not produce, मतलब इसका मतलब it will always be overlapping, ऐसा आपको देखना. राइट, कुछ भी कर लो, ओरिएंटेशन मतलब दीज टू आर अप्रोचिंग आइदर अलोंग एक्स वाई और जेड, बट दे आर ऑलवेज ओवरलैपिंग, ऐसा आंसर हमको फाइंड करना है. नॉट नॉन बॉन्डिंग मतलब बॉन्डिंग इन ऑल डायरेक्शंस, एंड पर्टिकुलरली व्हाट दे हैव गिवन इज इंटर न्यूक्लियर एक्सिस इज द जेड एक्सिस. ठीक है, सो लेट अस सी द ऑप्शंस वन बाय वन. ए, ये है पी वाई प्लस डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर. राइट, तो मान लो अगर ये एक्स वाई प्लेन है तो पी वाई ऐसा हो गया, और अगर हम बोलते हैं एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये एक्स और वाई, देन डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज लाइक दिस. ठीक है, अब इसका जो ओवरलैप है चाहे वो एक्स के अलोंग हो, अगर ये एक्स के अलोंग भी अगर हम मूव करा रहे हैं तो भी ओवरलैप नहीं करेंगे, क्योंकि ये ऑर्बिटल और ये ऑर्बिटल का ओवरलैप ही नहीं हो सकता, इफेक्टिव ओवरलैप ही नहीं है. जो ओवरलैप हल्का सा अगर आपको लग भी रहा है, दैट इज ना तो वो हेड ऑन ओवरलैप में क्वालिफाई होगा ना साइडवेज ओवरलैप में. राइट, ठीक है ना. सो इट कैन प्रोड्यूस नॉन बॉन्डिंग मॉलिकुलर ऑर्बिटल अगर हम इन दोनों को या तो एक्स के अलोंग मूव करा दें जैसे ये इस फॉर्म में, या फिर वाई के अलोंग या जेड के अलोंग. तो ए हमारा आंसर नहीं हो सकता. बट द सेम लॉजिक कैन ऑल्सो बी अप्लाइड फॉर द सेकेंड वन, पी जेड प्लस डी वाई जेड. ठीक है, सी वाले में क्या होगा, एस और डी एक्स जेड. राइट, सॉरी डी एक्स जेड और एस. एस कैसा है, वो स्फेरिकल है. राइट, तो इन दोनों का शेप ऐसा है कि वो इफेक्टिव ओवरलैप कर ही नहीं पाएंगे. एस ऑर्बिटल स्फेरिकल. राइट, डी एक्स जेड सपोज मान लो ये एक्स और ये जेड प्लेन है, डी एक्स जेड वुड बी लाइक दिस. राइट, तो ये इफेक्टिव ओवरलैप नहीं है बीच में. राइट, ठीक है ना, इस तरफ तो ये इफेक्टिव ओवरलैप नहीं है. तो इसमें भी हम लोग नॉन बॉन्डिंग मॉलिकुलर ऑर्बिटल प्रोड्यूस कर सकते हैं इफ वी मूव अलोंग द एनी ऑफ द एक्सेस एक्स वाई और जेड. डी वाले में क्या है, इफ यू हैव डी एक्स वाई प्लस डी एक्स वाई, तो इसमें कैसा होता है, सपोज मान लो डी एक्स वाई ये एक्स वाई प्लेन है, सेकेंड वाला भी डी एक्स वाई, तो अगर ये एक्स के अलोंग मूव कराएंगे तो ओवरलैप होगा और पाई बॉन्ड बनेगा. एक्स के अलोंग अगर दोनों अप्रोच करेंगे तो पाई बॉन्ड बनेगा. राइट, ठीक है, अगर वाई एक के नीचे एक मतलब एक ऊपर एक नीचे और वाई के अलोंग अप्रोच कराते हैं तब भी हमारा पाई बॉन्ड बनेगा. गेटिंग इट, वाई के अलोंग अप्रोच करा दें तो ऐसे ओवरलैप होगा तो पाई बॉन्ड तब भी बनेगा. और अगर जेड के अलोंग करा दें, समझ में आ रहा है, जेड के अलोंग मतलब एक के ऊपर एक. राइट, सो उसमें डेल्टा बॉन्ड बन जाएगा. गॉट दिस, तो कुछ भी कर लो बॉन्डिंग तो होगी, नॉन बॉन्डिंग नहीं हो सकती. सो इसका मतलब इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा दैट विल बी